हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा वन कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ और बेबीज़ के सभी वुलन टाइप प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को शॉल, मफलर और स्कार्फ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैप के लिए ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये 7 फंदों का डिज़ाइन है और 6 रो में कम्प्लीट होता है। इसके बीच में मैंने दो दो फंदे उल्टे लिए हैं। आप चाहें तो तीन तीन, चार चार और एक एक फंदा भी उल्टा ले सकते हैं। बीच वाले फंदे आप उल्टे अपनी मर्जी से ले लीजिए और 7 के हिसाब से फंदे आपको पूरे पल्ले पे लेने हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो बिनेंगे। फर्स्ट रो हम राइट साइड पे बिनेंगे। सबसे पहले हमें 2 शुरुआत के फंदे उल्टे ले लेने हैं, उल्टे बिन लेने हैं। उसके बाद हमें 7 फंदों पे डिज़ाइन डालना है। देखिए, ये 7 फंदे हैं हमारे। 7 फंदों पर हमें डिज़ाइन डालना है। तो शुरुआत के हम 3 फंदों को डिज़ाइन में लेंगे पहले, और बाकी के पीछे के 3 फंदों पर फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 फंदों का जो लास्ट 3रा फंदा है, देखिए 3 फंदे हैं, इनको आप उतार लीजिए सिलाई से और इस तरीके से 2 आगे वाले फंदों को पीछे कर लीजिए और 1 जो लास्ट का फंदा है आपका 3रा, उसको आप आगे कर लीजिए। फिर आप इन 3ों फंदों को सीधा बिन लीजिए। सीधा बिनने के बाद आपको सेंटर का जो हमारा फंदा है उसको भी बिन लेना है सीधा। फिर हमारे पास 3 जो पीछे के फंदे बचे हैं, उसके 2 फंदों को आप जो पीछे वाले हैं उनको आगे कर लेंगे और जो आगे का 1 फंदा है उसको आप पीछे कर लेंगे। फिर इन 3ों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 फंदों को सीधा बिना है, बस हमने 2 फंदों को पलट दिया है। फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे और 2 हमारे बीच के उल्टे फंदे बिनेंगे। ऊन पीछे की तरफ करेंगे। फिर हम 7 फंदों में से शुरुआत के जो 3 फंदे हैं उसका 3रा फंदा हम आगे कर लेंगे और आगे वाले 2 फंदों को हम पीछे कर लेंगे। आगे वाले 2 फंदों को हम पीछे कर लेंगे और 3रा जो हमारा फंदा है उसको हम आगे कर लेंगे। फिर हम इन 3ों फंदों को सीधा बिन देंगे। फिर हम सेंटर का जो अपना फंदा है उसे भी सीधा ही बिनेंगे। फिर हम 3 फंदे जो हमारे पीछे वाले हैं उनके 2 फंदे जो पीछे वाले हैं उनको आगे कर देंगे और 1 फंदा जो आगे वाला है उसे हम पीछे कर लेंगे। आप उतार के सलाई से फंदों को इस तरीके से पीछे ले लीजिए और आगे वाले फंदे को पीछे कर लीजिए। फिर हम इन 3ों ही फंदों को सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से हम सीधा बिन लेंगे इसे। फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे और हमारे 7 फंदे हम फिर से वैसे ही बिनेंगे जैसे हमने आगे के बिने हैं। तो बिन लेते हैं इन्हें भी। अब हम सेकंड रो पे हैं। सेकंड रो हमारे रॉन्ग साइड पे आएगी। जो हमारे राइट साइड से उल्टे फंदे थे 2, वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे। तो 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। फिर हम 7 फंदे जो हमारे बीच के हैं डिज़ाइन के, उनको हमें उल्टा बिन लेना है, यानी कि जो फंदे जैसे हैं उनको उसी तरीके से बिन लेना है। रॉन्ग साइड पे उनको उसी तरीके से बिन लेना है। 7 फंदे उल्टे बिनने के बाद देखिए 2 सीधे बिने, 7 उल्टे बिने, फिर हम 2 सीधे बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राइट साइड पे हैं। 2 फंदे हम शुरुआत के उल्टे बिन लेंगे। फिर हम 3 फंदों को कैसे बिनेंगे, पहला फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर हम पीछे के जो हमारे 2 फंदे हैं उनको एक साथ सिलाई में लेंगे। जिस तरीके से हम सीधा बिनते उसी तरीके से हमें 2ों फंदों का 1 फंदा बना लेना है। एक हम जाली लेंगे ऊन आगे की तरफ करते हुए, सीधा फंदा हम सेंटर का बिन लेंगे इस तरीके से। फिर ऊन आगे करेंगे। फिर जो हमारे 3 फंदे हैं उसका पहला फंदा हम इस तरीके से पलटेंगे और 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेके बीच में से सिलाई पीछे की तरफ लेते हुए सीधा बिन लेंगे। फिर हम अपना लास्ट का फंदा सीधा बिनेंगे। फिर हम 2 फंदे उल्टे बिनेंगे ऊन अपनी तरफ करके, फिर ऊन पीछे करेंगे। 3 फंदे शुरुआत के हैं जिसमें से हम पहला फंदा अब हम सीधा बिनेंगे। उसके बाद जो 2 हमारे पीछे के फंदे हैं उनको इस तरीके से सिलाई लेते हुए आपको 2 फंदों का 1 फंदा बना लेना है। फिर हम एक जाली डालेंगे ऊन आगे की तरफ करते हुए, फिर हम सेंटर का फंदा बनाएंगे। फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे और पीछे वाले 3 फंदों में से पहला फंदा हम इस तरीके से पलटते हुए 2ों फंदों को एक साथ बिन लेंगे और लास्ट का हमारा 3रा फंदा हम सीधा बिन लेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, पहला फंदा हम सीधा बिनेंगे, 2 फंदों को हम एक साथ इस तरीके से लेंगे सिलाई में और सीधा बिन देंगे, 2 का 1 फंदा बना लेंगे। फिर एक जाली बनाएंगे, सेंटर वाला फंदा बिनेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे और फंदे को, पहले फंदे को इस तरीके से पलटेंगे और 2ों फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए बिन लेंगे।
फिर हम लास्ट का सीधा फंदा बिनेंगे और दो फंदे उल्टे बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो पे हैं अब हम। फोर्थ रो हमारा रॉन्ग साइड पे आएगा। दो फंदे हम सीधे बिनेंगे, सात फंदे हम उल्टे बिनेंगे, दो फंदे हम सीधे बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए और खूबसूरत डिज़ाइनें लेकर आऊँगी तो देखिएगा ज़रूर। सात फंदे हमने उल्टे बिने, ऊन आगे की तरफ किया, दो फंदे सीधे बिनेंगे जो राइट साइड से उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फोर्थ रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिफ्थ रो पे हैं। फिफ्थ रो हमारा राइट साइड पर आएगा। इसमें हमें पहले शुरुआत के दो फंदे उल्टे ही बिनने हैं, ये लास्ट तक उल्टे ही जाएंगे। फिर यहाँ तीन फंदे जो हैं इनके शुरुआत के जो ये दो फंदे हैं इनको अब हम एक साथ सीधा बिनेंगे। दोनों फंदों को इस तरीके से ले लीजिए। फिर हम एक जाली डालेंगे, फिर हम सेंटर के तीन फंदे सीधे बिनेंगे। सेंटर के हमें तीन फंदे सीधे बिनने, फिर एक जाली डालनी है, फिर लास्ट के दोनों फंदों को हमें इस तरीके से पहला फंदा सीधा करते हुए बिन देना है। यहाँ पर हमने दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा फिफ्थ रो चल रही है। फिर हम दो फंदे उल्टे बिनेंगे, फिर ऊन पीछे की तरफ करेंगे। शुरुआत के हम दो फंदों को इस तरीके से सिलाई लेंगे जिस तरीके से हम सीधा बिनते हैं और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर एक जाली लेंगे ऊन आगे की तरफ करते हुए। फिर हम तीन फंदे बीच के जो सेंटर के अब हमारे तीन फंदे हो गए उन्हें सीधा बिन देंगे, ऊन आगे करेंगे, जाली डालेंगे हम। फिर दो फंदों का पहला फंदा पलटेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से हम दो फंदे उल्टे बिनेंगे, ऊन अपनी तरफ करते हुए, ऊन पीछे करेंगे। शुरुआत के दो फंदों को हम इस तरीके से एक साथ बिन देंगे। यहाँ पर हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर सेंटर के तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे। इस तरीके से हम तीन फंदे सीधे बिनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर पहले फंदे को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और दो उल्टे फंदे बिनते हुए फिफ्थ रो को राइट साइड की कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सिक्स रो पे हैं। ये हमारी लास्ट रो है और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसको हमें वैसे ही बिनना है रॉन्ग साइड में वे, ये ऐसे ही बिना जाता है जैसे फंदे होते हैं। दो फंदे सीधे बिनने हैं, सात फंदे हमारे उल्टे बिनने जाएंगे और दो फंदे सीधे, यानी कि जो जैसे फंदे हैं हमको रॉन्ग साइड में उनको वैसे ही बिनते हुए सिक्स रो रॉन्ग साइड की हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा यहाँ पर डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इसे सभी तरीके के वुलन मटेरियल पर यूज़ कर सकते हैं। आप फिर से फर्स्ट रो से इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे और इसी तरीके से ये डिज़ाइन कंटिन्यू रहेगा। बहुत ईजी डिज़ाइन है, आप बहुत आराम से बना लेंगे, बहुत जल्दी बन जाता है ये डिज़ाइन और बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और आप इसको एक बार किसी भी वुलन मटेरियल पे किसी भी एज ग्रुप के लिए बना के देखिए, बहुत खूबसूरत लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।